उसमें रास्ते खोजने की दिशा में एक शुभ शुरुआत की है। 1400 करने के बाद भी मैं कहता हूं शुभ शुरुआत हुई है, अभी भी करना बहुत बाकी है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिए ही हैं। एक बहुत बड़ा काम और मैं मानता हूं कि देश को इसको अच्छे ढंग से जैसे पहुंचना चाहिए था हम पहुंचा नहीं पाए। हम सभी सांसदों पर एक कलंक हमेशा लगा रहता था कि हम ही लोग हमारे वेतन तय करते हैं, हम ही लोग मर्जी पड़े उतना बढ़ा देते हैं, हम देश की परवाह नहीं करते हैं। और जिस दिन सांसदों का वेतन बढ़ता था दुनिया भर की टीका टिप्पणी हमारे पर होती थी और ये पिछले 50 साल से हो रही थी। पहली बार इस समय के सभी सांसदों ने मिलकर के इस आलोचना से मुक्ति का रास्ता खोज लिया और एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बना दी कि उस संविधान की व्यवस्था के तहत औरों का जब होगा इनका भी हो जाएगा। अब स्वयं इस काम के भागीदार सांसद अकेले नहीं होंगे और सांसदों को बहुत बड़ी मुक्ति मिल गई आलोचना से। लेकिन इसने उत्तम निर्णय की, जिस प्रकार से उसको रजिस्टर होना चाहिए था, जिसकी वाहवाही होगा। 50 साल से सांसदों को गालियां सुननी पड़ी है, बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को गालियां सुननी पड़ी है, उससे मुक्ति देने का काम किया। हमारे जितेंद्र जी ने अच्छा खाना तो खिलाया लेकिन बाहर हम आलोचना सुनते थे कि कैंटीन के अंदर पैसा बहुत कम है और बाहर महंगा है, एमपी क्यों ऐसा करते हैं। मुझे खुशी है कि जितेंद्र जी की कमेटी ने मेरी भावना को स्वीकार किया, स्पीकर महोदय ने भी स्वीकार किया और जो बहुत सस्ते में यहां दिया जाता था आपको थोड़ा जेब में थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया लेकिन उसमें से भी मुक्ति पाने की दिशा में हमने कदम बढ़ाया है और पूर्ण रूप से पहुंचने में भी आने वाले दिन में हमें अच्छी ताकत आकर के हम वो भी कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसी प्रकार से इस सदन को और भी बहुत सी बातों का जरूर आनंद आएगा। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े हैं और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादा इतनी ऊंची है भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र के ताकत है, सदन के ताकत।